नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान जनता दरबार में 150 लोगों की समस्याएं समाधान करने का भरोसा दिया। वहीं इस मौके पर अपने परिजनों के साथ आए बच्चों को सीएम योगी ने खूब दुलारा, साथ ही उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और चॉकलेट के साथ खूब पढ़ने आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान एक महिला ने अपने परिजन के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई तो सीएम योगी ने उसे आश्वस्त किया कि आप बिना चिंता उपचार कराइए, पैसा हम देंगे आपको। बता दें कि सोमवार को जनता दर्शन में अपनी समस्या को लेकर पहुंचे फरियादियों में ज्यादा संख्या गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार वालों की थी। वहीं एक महिला ने सीएम योगी से लखनऊ के एक अस्पताल में अपने परिजन के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि जिस अस्पताल में उसके मरीज का इलाज हो रहा है वह अस्पताल सहायता प्राप्त करने को अहर्ता नहीं रखता। इसके बाद सीएम ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया कि मरीज को SGGPGI या KGMU में भर्ती कराया जाए। साथ ही सीएम ने महिला से आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा तो महिला ने बताया कि नहीं है। इस पर सीएम योगी ने उसे आश्वस्त किया कि आप बिना चिंता उपचार कराइए, पैसा हम देंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने मुरादाबाद से आए एक व्यक्ति को आश्वस्त किया कि आपके घर पहुंचने के साथ ही समस्या के निदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के उपचार में आर्थिक सहायता के प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द शासन में भेजा जाए और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज बेहतरीन अस्पतालों में कराया जाए। इसके अलावा इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे सभी लोगों को सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि एस्टिमेट की प्रक्रिया पूर्ण होते ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता धनराशि जारी कर दी जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कहाँ से आए आप? कहीं पर मेहनत कहाँ से आए आप? है कौन जिला है? हाजीपुर। हाजीपुर कला पैसा क्यों नहीं आया? PGI में है, PGI में थोड़ी दिन पर यहाँ से बना के भेजो सकता हूँ। चिंता मत करो, यहाँ से कहाँ का मामला है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस मामले में? बताए कहाँ से आए हैं, क्या हो गया है? आपके पास आयुष्मान कार्ड मिल सकता है, ठीक है? आपको फोन साथ के यहाँ से आएगा, मुझे दरखास्त दो ना।